वोटर लिस्ट में धांधली पर भड़के बीजेपी एमएलए गणेश नाइक, मनपा अधिकारियों की मनमानी पर उठाया सवाल, नहीं सुधरे तो करेंगे आंदोलन। नवी मुंबई मनपा चुनाव के लिए तैयार हो रही मतदाता सूची में धांधली का मामला जोर पकड़ने लगा है। आरोप है कि कुछ मनपा अधिकारी सत्तारूढ़ सरकार और मंत्रियों के इशारे पर इसमें धांधली करने में जुटे हैं। इसकी शिकायत के साथ आज बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात की और वोटर लिस्ट में की गई धांधली के साथ ही सीटकों, प्लॉट आवंटन एवं नागरिक सुविधाओं से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की। उनके साथ पूर्व विधायक संदीप नाइक, डॉक्टर जयाजी नाथ, रविंद्र इथापे, अनंत सुतार, पूर्व महापौर सागर नाइक समेत कई नेता और पदाधिकारी मौजूद थे। पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने कहा कि उनके कई नगर सेवकों ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर साक्षियों के साथ शिकायत की है, लेकिन मनपा अधिकारी इसे सुनने और सुधारने को तैयार नहीं है। पूर्व मंत्री ने कहा कि यह सत्ताधारियों की चाल हो सकती है, अगर इसे नहीं सुधारा गया तो वे मनपा मुख्यालय के सामने आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। इन मीटिंग में कभी हमने महापालिका के अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं किया था, लेकिन मतदार यादि को लेके जो मसले सामने आ रहे हैं वो देखते हुए ये पक्का खबर है हमें कि कई अधिकारी ने अपने निजी स्वार्थ के लिए कि कई लोगों से पैसा लेके एक एक हजार नाम निकाले गए हैं और कहा जाके और रखे गए हैं कि वार्ड क्रमांक दशरथ जी भगत ने वार्ड क्रमांक 77, वार्ड क्रमांक 78, वो वार्ड से कई लोगों के नाम निकालने चाहिए, वो भी उन्होंने नाम दिए हैं एविडेंस के साथ दिए हैं, और कई लाभ उसमें शामिल करने की जरूरत है वो भी एविडेंस के साथ में दिए, फिर भी वहाँ पे अधिकारी वर्ग कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। हमने आयुक्त महोदय को बोला है यदि इसमें, क्योंकि हम लोगों ने प्रभाग अधिकारी, सहायक आयुक्त, उपायुक्त, महापालिका आयुक्त, कलेक्टर, कोंकण आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर, साथ ही साथ गवर्नर को, अपोजिशन लीडर विधानसभा, अपोजिशन लीडर विधान परिषद, ये सब लोगों को हमने दिए और हम लोगों ने कोर्ट में जाने की भी तैयारी रखी है, क्योंकि वो लोगों ने मशीनरी का दुरुपयोग किया है ऐसा हमने कभी इल्जाम नहीं लगाया था। लेकिन आप जानते हैं कि ये जो शहर में जो कुछ भी हलचल हो रही है उसके पीछे सरकार की ओर से दिए हुए आदेश का इधर कई लोग पालन कर रहे हैं, बात बहुत गंभीर है, और इसके लिए हमने बोला कि यदि इसमें नहीं बदला हुआ तो हम लोग महापालिका के सामने आके यहाँ पे एजिटेशन करेंगे। बताना जरूरी है कि 23 फरवरी को मतदाता सूची को लेकर शिकायत का आखिरी दिन था। नवी मुंबई के 111 वार्डों में से अधिकांश वार्ड ऐसे हैं जहां के सैकड़ों मतदाताओं का नाम काट दिया गया है, वहीं सैकड़ों बाहरी वोटरों को शामिल कर दिया गया है जो वहां रहते ही नहीं हैं। जाहिर है इस तरह की हेराफेरी से अधिकांश लोग मतदान से वंचित हो जाएंगे। इसकी पुष्टि करते हुए बीजेपी नेता दशरथ भगत ने वासी और शानपाड़ा के प्रभाग 78 और 79 का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हमने मनपा अधिकारियों को साक्ष्यों के साथ इस हेराफेरी की कई शिकायतें दी हैं, फिर भी वे सबूत मांग रहे हैं जो उनकी नियत की पोल खोलता है। आज कमिश्नर के पास नाइक साहब ने जो कुछ प्रमुख मुद्दा उठाया और विशेष करके जो वोटिंग यदि में धांधली हो चुकी है उसके अंदर उसे ज़्यादा उसके अंदर उनके ध्यान में ला के दिया। जैसा वार्ड क्रमांक 78 सानपड़ा पाम बीच, वहाँ तो 1300 वोट्स वो तो डायरेक्ट यादी में आ गए है, उनका आता पता ही नहीं, वो जमीन के ऊपर वो आदमी रहते नहीं है, फिर कैसे आ गए ये। और 788 ये तो समावेश करना जो रहती है उस वार्ड में, उस भूभाग में, वो जोग्राफिकल जो प्रभाग है उसके ऊपर रहती है। और वार्ड क्रमांक 77 में 1582 वोट ये और ही लोग रहते हैं, लेकिन यदि में नहीं है। वो वार्ड क्रमांक
74 75 76 77 78 79 84 अच्छा 5-6 वार्ड में है, वही 78 की वही है स्थिति। और जो 77 में जो आना है वार्ड में, वो प्रभाग में आना है, जो भूभाग में लोग रहते हैं वो रहने वाले की मात्रा है 1582 आना है। और उन वो जो कमी करने जो रहते नहीं है वो 760 है। कहने का मतलब ये है कि एक नई बस्ती है, एक नई सिटी है ये। और यहाँ के मतदान केंद्र वासी गांव और सानपड़ा में है। इस मद्देनज़र रख के हमने ऑब्जेक्शन ले लिए, हमने हमेशा अधिकारी से बात की कि भाई ये जो आप प्रत्यक्ष जो निवडणूक आयोग ने आपको जो डायरेक्शन दिए है, आदेश दिए है कि जिस मतदार का नाम विधानसभा यादि में है और वो मतदार कौन से भी प्रभाग में वही क्षेत्र में ज्योग्राफिकल क्षेत्र होता है प्रभाग का, वो क्षेत्र में रहता है, उसका नाम किसी भी स्थिति में उस प्रभाग में आना चाहिए। और आप जाके उसका आप प्रत्यक्ष आप सर्वे करो, आप मिलो, जाके घर घर जाके मिलो, उनका काम है। लेकिन ये कौन सी भी स्थिति नहीं है, ये ऊपर ऊपर जाके वो देखे भी नहीं आता है। हमारा कहना है आप प्रत्यक्ष जाके देख ले, और वो आदमी उधर रहता है वो देख ले। हमने उनको प्रभाव जो प्रारूप यादि है, जो कॉर्पोरेशन प्रारूप यादि दे दी है, उस यादि का उस वार्ड का नंबर, उस यादि का नंबर, फिर उसका वोटर आईडी नंबर, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, उसके अलावा वो कौन से मतदार क्षेत्र है, वो विधानसभा मतदार क्षेत्र का नंबर, फिर उसका वोटर आईडी नंबर और उसका नाम, इतना पूरा डिटेल देने के बाद जब अधिकारी बोल रहे हैं कि हमें पुरावा दे दो, हमारा काम है क्या पुरावा देना? ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।